जी, तो हम लोग अपने डकलिंग्स को ले आए थे पिंजरे के अंदर, हमने रख दिए थे रात के अंदर, और अभी हम उनको ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे चूज़ों के साथ, तो देखते हैं कैसा रहता है। तो हम एक एक करके उनको अब चूजे वाले पिंजरे के अंदर शिफ्ट करेंगे, और दुआ करते हैं कि उन वो आपस में लड़े ना। तो चले, इन्होंने तो मारना शुरू कर दिया। क्या हो गया? रुक जी, पहले मुझे उनसे उनको अलग करना पड़ेगा। लोगों ने तो चूजों ने तो डकलिंग को मारना शुरू कर दिया, तो मैंने फौरन इनको हटाया। वीडियो में नहीं आया, लेकिन इन्होंने मारना शुरू किया। इससे पहले कुछ ज़्यादा नुकसान होता, मैंने इनको अलग कर दिया है, तो अब क्या कर सकते हैं, इनको अलग ही रखना पड़ेगा। मैंने कहा था इनको साथ रख के इनको साथ फीड वगैरह देंगे तो साथ ही बड़े होंगे, लेकिन अभी तो ये अब टाइम हो जाता है हमारी मुर्गियों को खोलने का, तो जैसे ही ये बहुत बेताब हो रहे बाहर आने के लिए। बहुत खुश हो रहे हैं। ओ माय गॉड, बाजरे पे अटैक हो गया। ये मेरे पीछे पीछे भाग रहे हैं, उनको लग रहा है मैं बाजरा डालूंगा इनको। ये चूजों का बाजरा है। नहीं, ओए ओए, अटैक कर दिया मुर्गे ने मुझ पे। ये तो सब मुझ पे अटैक करने लग गया मुर्गा। और दोस्तों, हमारा बकरा भी आ गया है हमारे घर पे कुछ दिन के लिए, और दोबारा तो आपने इसका नाम सजेस्ट करना है। ये भी वेरी फ्रेंडली नेचर वाला बकरा है, इसको ये लड़ना बड़ा पसंद है। खोल दिए और मुर्गियां आ रही हैं, हमें डर लग रहा है। अरे, मुर्गी ने अटैक कर दिया। चूजों को पकड़ना पड़ेगा। कर रहे थे खाना डालने के लिए, लेकिन मुर्गियों ने ऊपर से छलांग मार ली, छत से नीचे छलांग मार ली। तो अभी इनको शायद नीचे ही खाना डालेंगे या फिर इनको ऊपर लेके जाएंगे। थोड़ी देर इनको कैरी में खोल छोड़ते हैं। ये छोटी मोटी घास खाना शुरू कर दिया। अब ये लोग दूसरी कैरी में ना जाए, ये हमारे लिए मसला हो जाएगा। यहाँ पे ये लोग थोड़ा सा नहा लेंगे, फिर देखें हम लोग शायद इनको यहीं पे खाना डालेंगे या फिर ऊपर लेके जाएंगे। रहते तो इन्होंने यहीं पे बाजरा वाली घास, जो हमने बाजरा ऊपर से डालते हैं तो वो घास यहाँ उग जाती है, तो उन्होंने यही खाने लग गए हैं और मिट्टी में से खोद के नहा रहे हैं। तो खाना इनको दोपहर में देंगे। वीडियो को यहीं पर रोकेंगे और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।